दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे हीरोज का S2 मॉडल, जो कि धागा कट करता है ऊपर का और नीचे का भी। इसका साउंड भी सुनेंगे और ये कैसे धागा कट करती है और कौन से टाइम पे धागा कट करती है वो भी जानेंगे। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी देखिए, मशीन मैंने रेडी कर दिया है। अभी देखिए, स्लो में चला के बताता हूँ। अभी देखिए, मैंने मशीन रुका दिया है, धागा टूटा नहीं है अभी तक। जब तक मैं इसका जो पैडल है, एक्सीलेटर, उसको ऐसा पीछे की तरफ नहीं दबाऊंगा। अभी देखिए, ये जो पैडल है मेरे पैर के पास में, इसको मैं ऐसा पीछे दबाऊंगा तो मशीन में से साउंड आता है, कटने की आवाज़ आती है और धागा टूट जाता है। अब देखिए, धागा टूट गया है। अब नीचे से देखिए, सिर्फ इतना धागा बचा है अभी। ये आप काट सकते हैं या फिर रिवर्स लेने के बाद में वो फिनिशिंग में दिखेगा। अभी देखिए, अभी आपको रिवर्स भी लेके बताता हूँ। ये धागा कट गया, अभी ये रिवर्स कर दिया मैंने, धागा काटा नहीं है अभी तक, रिवर्स कर दिया। अभी धागा कट गया, ये देखिए, सिर्फ इतना, मतलब 2 या 3 मिलीमीटर धागा एक्स्ट्रा रहेगा कि जो आपकी कैंची से भी रहता है। अभी आपके हाथ की फिनिशिंग और मशीन की फिनिशिंग ये सेम ही आएगी। अभी देखिए, अभी मैंने समझो स्पीड से चलाया। अभी देखिए दोस्तों, मैंने लाइट बंद कर दिया मशीन का, ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरीके से दिखे। मैंने मशीन चलाया, अभी इसको रोका, धागा इतना बाकी रह गया। कभी कभी मशीन आपका धागा, सुई मशीन बार बार निकल जाता है काटने के बाद में, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो टेंशन तार है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाना है। यहाँ से पीछे से ना ढीला करना है और ये टेंशन के बीच में पेचकस डाल के इसको ऐसा घुमाना है। टेंशन में वर्क करना जरूरी है, पर उसने ज़्यादा वर्क अगर किया तो ये धागा जो है झटके से ऊपर निकल जाता है। अभी देखिए, मैं कितनी भी स्पीड में धागा काटूंगा और चलाऊंगा, सुई में से धागा नहीं निकल रहा। अभी मैं कितनी भी बार रोकूंगा बीच में तो धागा नहीं टूटेगा। जब तक मैं इसको कमांड नहीं दूंगा कि एक्सीलेटर आप सामने दबाते तो उसको ऐसा पीछे दबाना है आपको। अभी देखिए, धागा टूट गया और हल्की सी आवाज आती है। हीरोज में आवाज बहुत कम है। एक बार आपको वीडियो का एंगल चेंज करके बता देता हूँ। देखिए, इस एंगल से कपड़ा डाला, मशीन चलाई, धागा कट कर दिया, मशीन चलाई, ये रिवर्स मार लिया, धागा कट कर लिया। देखो, रिवर्स के बाद में भी ये स्मूथ ही रहता है। एक बार आपको रिवर्स के ऊपर कट बता देता हूँ कितना निकल जाएगा। देखिए, रिवर्स करने के बाद में सिर्फ इतना सा धागा ऊपर है, 2 या 3 मिलीमीटर ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। देखिए फिर से एक बार, अभी थोड़ा सा स्पीड में, देखिए मशीन रुका के बराबर धागा कट, कमांड दिया, धागा कट, नीचे से भी कटता है। और ये मशीन जो है हीरो, इसका स्पीड देख लीजिए, 3000 है। मैंने एक और वीडियो डाला है कि इसका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं आप, अप टू 5000 तक कर सकते हैं, लेकिन 3.5 के ऊपर मत चलाइए। बाद में मशीन की जानकारी पहले दी हुई है, लेकिन आप जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए देख लीजिए। इसके अंदर देखिए, ये फाइबर का व्हील है, ये बॉबिन वाइंडर दिया है। इसके बाद में धागा डालने का प्रोसीजर कुछ ऐसा है। सामने से जो बॉडी है थोड़ी सी गोल में है और ऊपर से मशीन पूरी फ्लैट है। इसका जो स्टैंड टेबल है 48 इंच का लंबाई में है और चौड़ाई में जो है 42 है, सॉरी 22 है। इसके अंदर देखिए आप, रोज की मशीन जो है दिखने में भी अच्छी है, चलने में भी बढ़िया है। देखिए, पीछे से भी ब्रांडिंग दी गई है। इसको डबल टेंशन सेट दिया है, जो कि हर कटर वाली मशीन के साथ में आता है। यहाँ पे बॉबिन भरने के लिए एक अलग से वाइंडर दिया है और उसको टेंशन भी दिया है। यहाँ से धागा डाल के इसमें घुमाइए और ये बटन दबा दीजिए, आपका वाइंडर यूज़ होना चालू हो जाएगा। ये फाइबर का दिया है, ये मेटल है, फिंगर गार्ड, ये जो है रिवर्स रेगुलर है, ये जो है बटन ये भी रेगुलर है फाइबर में। उसके बाद में ये फिंगर गार्ड दिया है, यहाँ पे उंगली सुई में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए दिया गया है। इसको आप ना ढीला करके निकाल भी सकते हैं, और कोशिश कीजिए जल्दी मत निकालना इसे, कुछ दिन चलाइए मशीन और फिर इसको निकालिए।
पीछे का हिस्सा भी बहुत बड़ा दिया गया है हवा रोटेट होने के लिए। ये ऊपर से मशीन छोटी है, पीछे से बड़ी है। इसकी जो बॉडी है वो सामने से पीछे तक जाने तक बड़ी बड़ी होती जाती है, और इसकी वजह से मशीन वाइब्रेट नहीं करती। बाकी मशीन का लुक आपको कैसा लगे मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ जानकारी लगे तो कमेंट कीजिए मुझे या फिर मैसेज कीजिए। अभी नीचे की कटर के मोटर भी देख लीजिए, ये नीचे की कटर की मोटर दी गई है। ये मोटर सिंपली मैग्नेट के ऊपर यूज होती है, जब आप इसको कटर की कमांड देते हैं तो ये मैग्नेट हिल जाता है और यहाँ का जो हिस्सा है वो कटर की तरह काम करता है। और मशीन के अंदर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।